में हम सभी ने पद्य खंड के तालजल कविता का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जाना था। अब के इस वीडियो में जो है हम लोग गद्य खंड के एक कहानी जिसका नाम शतरंज के खिलाड़ी हैं और जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है, इसी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जानेंगे जो आपके एग्जामिनेशंस में आ सकते हैं। जैसे मैं सभी क्वेश्चंस को लिख लेता हूँ, उसके बाद जो है हम लोग एक एक करके इनके आंसर को भी देखेंगे। तो चलिए, क्वेश्चंस को हमने लिख लिया है, अब एक एक करके इनके आंसर्स को भी जानेंगे। पहला प्रश्न, शतरंज के खिलाड़ी के लेखक का नाम लिखे मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद का पूरा नाम क्या है? मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद का पूरा नाम मुंशी प्रेमचंद है। तीसरा प्रश्न, प्रेमचंद का जन्म कब हुआ? प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी को हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। चौथा प्रश्न, प्रेमचंद का जन्म किस प्रांत में हुआ? तो प्रेमचंद का जन्म यूपी के वाराणसी जिला के लम्ही गांव में हुआ था। पांचवा प्रश्न, प्रेमचंद की किसी महत्वपूर्ण उपन्यास का नाम लिखें? तो प्रेमचंद की सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास और अंतिम उपन्यास भी बोला जाता है, जिसको गोदान नाम है। ठीक है। गोदान के अलावे भी बहुत सारे उपन्यास इन्होंने लिखा है, जैसे कि रंगभूमि, सेवा सदन, निर्मला, या विभिन्न प्रकार के जो है उपन्यास उन्होंने लिखा है। चलिए, छठा प्रश्न, मीर और मिर्जा किस कहानी के पात्र हैं? मीर और मिर्जा जो है शतरंज के खिलाड़ी कहानी के पात्र हैं। मीर और मिर्जा कौन सा खेल खेलते थे? मीर और मिर्जा शतरंज का खेल खेलते थे। आठवां प्रश्न, मीर और मिर्जा कायर थे या विलासी? तो कहानी के अनुसार मीर और मिर्जा दोनों ही विलासी थे। नवा प्रश्न, लखनऊ के नवाब को कौन बंदी बनाकर ले गए? तो लखनऊ के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी बंदी बनाकर लेके गई थी, क्योंकि इनका दिन दिन जो है ऋण बढ़ रहा था, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रैकेट में आप लोग लिख लेंगे अंग्रेज। चलिए, दसवां प्रश्न, कथा सम्राट की उपाधि किस रचनाकार को मिली है? तो कथा सम्राट की उपाधि मुंशी प्रेमचंद को मिली है। ठीक है। चलिए, 11वां प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। 11वां प्रश्न, शतरंज के खिलाड़ी में किस बादशाह के काल का वर्णन किया गया है? तो शतरंज के खिलाड़ी चैप्टर में जो है वाजिद अली शाह का जो है युग का वर्णन किया गया है, वाजिद अली शाह के काल का वर्णन किया गया है। ठीक है। 12वां प्रश्न, मीर और मिर्जा कौन थे? मीर और मिर्जा कहानी के अनुसार मीर और मिर्जा मौसूरी जागीरदार एवं एक दूसरे के मित्र थे। मौसूरी जागीरदार और एक दूसरे के मित्र थे। 13वां प्रश्न, यह बादशाह शतरंज के हाथों तबाह होगी, किसने कहा? तो ये जो लाइन है, यह बादशाह शतरंज के हाथों तबाह होगी, ये मोहल्ले के कुछ पुराने विचार के लोगों ने कहा था। ठीक है। 14वां प्रश्न, किसका ऋण दिन दिन बढ़ता जाता है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का ऋण दिन दिन बढ़ता जाता है। 15वां प्रश्न, मीर साहब की बेगम किस कारण से मीर साहब का घर से दूर रहना उपयुक्त समझती थी? तो इसका आंसर जो है, नौकर से इश्क और रंगरलिया मनाने के कारण मीर साहब की बेगम उनका घर से दूर रहना उपयुक्त समझती थी। 16वां प्रश्न, हाकिम साहब के घर किसको जाना था? तो हाकिम साहब के घर मिर्जा सज्जाद अली को जाना था। ठीक है। मिर्जा का पूरा नाम मिर्जा सज्जाद अली था। 17वां प्रश्न, शतरंज के खिलाड़ी कहानी के अनुसार देहात की दौलत कहाँ खींची चली आती है? शतरंज के खिलाड़ी कहानी के अनुसार देहात की दौलत लखनऊ में खींची चली आती है। 18वां प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जो है लाइक करके शेयर भी कर दीजिए। चलिए, 18वां प्रश्न, हार की चोट कैसी होती है? तो हार की चोट बुरी होती है। हार की चोट कैसी होती है? हार की चोट बुरी होती है। 19वां प्रश्न, मीर और मिर्जा ने किसकी रक्षण में अपने प्राण दिए? तो मीर और मिर्जा दोनों ही शतरंज के वजीर की रक्षा में अपने प्राण को त्याग दिए। 20वां प्रश्न, जब अवध के नवाब को बंदी बनाकर ले जाया गया तो कौन ऐश की नींद में मस्त था? तो लखनऊ ऐश की नींद में मस्त था। जब अवध के नवाब को बंदी बनाकर लेके जा रहे थे तो ऐश की नींद में लखनऊ मस्त था। चलिए, 11वां प्रश्न, प्रेमचंद का असली नाम क्या है? प्रेमचंद का असली नाम, देखिए पूरा नाम पूछेगा, प्रेमचंद का पूरा नाम क्या है? तो आप बोलिएगा मुंशी प्रेमचंद।
पूछेगा प्रेमचंद्र का असली नाम क्या है, तो आप बोलिएगा धनपत राय। अब किसी किसी जगह पे आपको धनपत राय श्रीवास्तव भी मिलता है, लेकिन आप लोग धनपत राय ही केवल लिखिएगा। चलिए 22वां प्रश्न, लखनऊ के नवाब कौन था, लखनऊ का नवाब कौन था? तो लखनऊ का नवाब आप सभी को पहले ही बता चुका हूँ मैं, वाजिद अली शाह थे। ठीक है, 23वां प्रश्न, प्रेमचंद की कौन सी कहानी आपके पाठ्य पुस्तक में है? तो हमारे पाठ्य पुस्तक भाषा दर्शन में जो है प्रेमचंद की एक कहानी जिसका नाम शतरंज के खिलाड़ी हैं, यही चैप्टर है। चलिए 24वां प्रश्न, कफन जो एक कहानी है, गोदान जो एक उपन्यास है, और ईदगाह की रचना किसने की? तो इसके रचनाकार जो है प्रेमचंद हैं। इसके अलावे जो है प्रेमचंद ने बहुत सारे प्रसिद्ध रचनाएं लिखी हैं, जिनका नाम कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, निर्मला और मानसरोवर है। इस प्रकार से आपने कुल मिला के 24 प्रश्न देखे, और ये 24